स्वागत है आप सबों का सिद्धार्थ एजुकेशन पॉइंट में, जिसमें आज हम लोग एमटीएस, एलडीसी और सीजीएल में कुछ पूछे हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर यदि हम कुछ हाल फिलहाल के 2017-18 के सीजीएल पीटी का हो या मेंस का हो या एलडीसी का हो या एमटीएस का क्वेश्चन, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ हम लोग बनाते हैं तो उससे हम लोगों को ये आइडिया आएगा कि आगे आने वाले प्रश्न किस प्रकार के हो सकते हैं। इसी क्रम में मैंने एक सीरीज शुरू किया है जिसमें मैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चन का, आज जैसे मैंने एक सीरीज शुरू किया है स्पॉटिंग एरर का, और मैं इस प्रकार के वीडियो रोज़ आप लोगों के लिए 10 मिनट का, 5 मिनट का वीडियो डालते रहूँगा। इंग्लिश के साथ साथ मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैथ के भी प्रश्न लाए जाएं और आप लोगों को ऑनलाइन हेल्प किया जाए। तो आज हम लोग पहला सवाल देखते हैं। ये सवाल एलडीसी जो एसएससी लेती है 2017 का प्रश्न है। क्वेश्चन है, हर बिहेवियर अराउंड हिम वॉज ए लिटिल ऑडली। तो एरर बनाने का प्रक्रिया ये होता है कि अगर पहले भाग में गलती दिखे तो आप उसका आंसर ए करेंगे, दूसरे भाग में गलती हो तो आंसर बी करेंगे, तीसरे भाग में गलती हो तो आंसर सी करेंगे, और अगर पूरे सेंटेंस में कहीं गलती नहीं हो तो आप आंसर डी करेंगे। हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल ए का प्रयोग नाउन से पहले होता है, या फिर अगर कभी कोई एडजेक्टिव हो, जैसे लिटिल एक एडजेक्टिव वर्ड है, अगर इसके पहले कोई आर्टिकल आता है, चाहे वो ए हो या फिर एल हो या फिर द हो, तो इसके बाद एक नाउन का आना अनिवार्य होता है। लेकिन ऑर्डली जो कि एक एडवर्ब है जिसका प्रयोग यहाँ पर गलत है, इसलिए हमें इसको सही करने के लिए ऑर्डली को बदल कर ऑड किया जाएगा और ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, तब इसका आंसर होगा सी नंबर। तो यहाँ से हमको सीखने को मिला कि जब आर्टिकल ए या एन या द के साथ एडजेक्टिव रहे, जैसे कि लिटिल हो, फ्यू हो, गुड हो, बैड हो, ब्यूटीफुल हो, इसके साथ हमेशा नाउन का प्रयोग होगा, जैसे ए गुड बॉय। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले सवाल में। हम लोग एग्जाम में क्या करते हैं कि जब बड़े क्वेश्चन को देखते हैं तो हम उनमें एरर ढूंढने से पहले डर जाते हैं और उन क्वेश्चन को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक बार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें गलतियाँ उतनी ही छोटी होती हैं। जैसे पहले सवाल को पढ़ते हैं, द मोर एनर्जी वी गिव टू अ पर्टिकुलर थॉट द ग्रेटर इज इट्स पावर टू अट्रैक्ट इट्स कोरस्पोंडिंग सरकमटेंसेस इन टू देयर फिजिकल वर्ल्ड थ्रू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप स्पॉटिंग एरर बनाएं, गलती ढूंढने का प्रयास करें, उस समय पर आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग ढूंढने का प्रयास ना करें। इससे आप उस क्वेश्चन में उलझ सकते हैं और कभी-कभी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकालने पर आप मिस्टेक कर सकते हैं। इंग्लिश भी हमेशा कॉन्सेप्ट पे काम करता है। जैसे इस सवाल में देखिए, सब्जेक्ट के रूप में वी का प्रयोग किया गया है, और अगर आगे देखें तो प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है देयर, सेक्शन सी में देखिए देयर। तो हम जानते हैं प्रोनाउन में कि आई का माई होता है, यू का यू ही होता है, ही का हीम होता है, और वी का आवर होता है।
इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर सब्जेक्ट आया है वी, इसके लिए ये देर का प्रयोग गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए आवर, और ये आपका सेंटेंस सही था। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? सी नंबर। तो देखिए, सवाल बड़ा है लेकिन छोटा, बहुत ही छोटा इसमें एरर दिया हुआ है, जो कि रिलेटेड है आपका प्रोनाउन से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। हिज असिस्टेंट वाजंट हैप्पी विथ हिज जॉब। तो आप ध्यान रखिएगा, हिज जो है यह एक पॉजिटिव केस है। पॉजिटिव के जैसे हिज, हर, माई, फिर जैसे आपका हो गया योर, फिर हो गया आपका, इस प्रकार से जो जो भी होते हैं प्रोनाउन उसे हम पॉजिटिव केस कहते हैं। तो असिस्टेंट पॉजिटिव केस प्रोनाउन का जो होता है, उसके बाद असिस्टेंट वर्ड जो है ये आपका हो गया एक तरह से एडजेक्टिव, सॉरी, इसका मतलब हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया, जिसका प्रयोग यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि हिज के बाद हमेशा आना चाहिए नाउन, और नाउन के रूप में असिस्टेंट ना होकर, आप लोग इस बात को सुने होंगे, इसका मतलब होता है असिस्टेंट। तो यहाँ सही वर्ड होना चाहिए हिज असिस्टेंट वाजंट हैप्पी विथ हिज जॉब। अर्थ हुआ कि उसका जो असिस्टेंट है, सहायक है, वह अपने नौकरी से संतुष्ट नहीं है। तो आप यहाँ देखिए कि हमारा जितना पॉजिटिव केस है, चाहे वो हिज हो, चाहे वो हर हो, चाहे माई हो, या फिर आवर हो, ये जितने पॉजिटिव केस होते हैं, तो इसके बाद आने वाला जो वर्ड होता है वो नाउन होता है, अगर अगर यह सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता हो, यानी शुरुआत में आता हो, जैसे यहाँ पर ये शुरुआत में आया है, और इसके बाद जो नाउन होगा वह कैसा होगा? इसके बाद कैसा होगा? वह नाउन लेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। मैं आज फिर एक वीडियो मैथ पे डालूँगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, झारखंड टेट को लेकर के भी और एसएससी को लेकर भी, जिसमें हम कैलकुलेशन से संबंधित कुछ बातें जानेंगे, कि कैलकुलेशन में कुछ ऐसे ट्रिक होते हैं जो बहुत ही सहायक होते हैं आपके मैथ कैलकुलेशन के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।